वसीम बरेलवी का वो शेर मुझे याद आया कि किस जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम आर खान ने यहां से मुंबई पहुंचकर मुंबई की चौड़ी सड़कों पर मुंबई के छोटे घरों में रहने वाले बड़े बड़े ताजरों और बड़े 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 बासर लोगों के बीच में जो इज्जत पाई है अज्ञात छाता के लोगों, मैं अपनी माथे की आंखों से देखकर इस बात की इस माइक पर शहादत देता हूं कि आपने अपनी मिट्टी से जो फूल उगाया था वो फूल अब पूरा गुलदान बनकर मुंबई को पूरी तरह से महका रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जोरदार तालियों से अपने नौजवान का इस तरह से हौसला बढ़ाएं ताकि ये आइंदा भी आपके सरजमीन के साथ जुड़े रहकर इसी तरह की महफिलें सजाते रहें और मोहब्बतों की फजा हमवार होती रहे। आइए एक और शायर से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं और अब आपसे एक बात कहना चाहता हूं। उर्दू शायरी में आपने तमाम रंग देख लिए, महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात हो, घर आंगन के मसाइल हो, हमारे रिश्तों के टूटने बिखरने का सिलसिला हो, दिल की हिकायतों से दिल्ली की शिकायतों तक का सफर हो, मीर के आंसू मीरा की आंखों से निकलने का कारनामा हो, ये सारी बातें अगर आप देख और समझ चुके हैं तो आइए एक ऐसे नौजवान से मिलिए जिसकी जबान बहुत आसान है, जिसका गला बहुत सुरीला है, जिसका शायरी का कमाल ये है कि हर खासो आम तक उसकी बात पहुंचती है और वही उसका एक तारुफ ये है कि वो एक सच्चा और अच्छा दोस्त है। दोस्त ऐसा कि वफादारी के साथ जब खड़ा हो जाए किसी के साथ तो उसकी इंतहा तक अपने उसके साथ खड़ा रहे। वसीम आर खान साहब के कांधे से कांधा मिलाकर इस मुशायरे का बोझ अपने कांधे पर ढोने वाला वो नौजवान जिसे आलम निजामी के नाम से उर्दू दुनिया जानती है, उसे मैं बुला रहा हूँ। वसीम भाई आपको नज़र करता हूँ एक शेर, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब आलम निजामी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हजरात, सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी गुफ्तगू आप हजरात से कर चुका हूँ कि अब मजीद गुफ्तगू आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन एक जुमले से मैं अपने जज्बे का इजहार करना चाहता हूँ। हजरात, आपने खूबसूरत चेहरे बहुत देखे होंगे और आइंदा भी देखते रहेंगे, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे इंसान को देखना है कि जिसका दिल भी खूबसूरत हो, जिसका चेहरा भी खूबसूरत हो, जिसका किरदार भी खूबसूरत हो, तो आपको मुलाकात करनी पड़ेगी जनाब वसीम आर खान साहब से। एक बार तालियां बजाएं वसीम भाई के लिए। और मैं यहाँ से एक मतलब एक शेर यूं अर्ज करता हूँ कि नक्शे हस्ती मिटा भी देता है, नक्शे हस्ती मिटा भी देता है, हादसा हौसला भी देता है, नक्शे हस्ती मिटा भी देता है, हादसा हौसला भी देता है, सब वफादार तो नहीं होते यार कोई नगा भी देता है, सब वफादार तो नहीं होते यार कोई दगा भी देता है, यार कोई और तेरे शक का इलाज कैसे करूं। हमारे दरमियान फजल रहमान अंसारी साहब और हाजी अकील अहमद शेख साहब तशरीफ रखते हैं, उनके दुआएं चाहता हूं कि तेरे शक का इलाज कैसे करूं, इस मर्ज की दवा नहीं हूं मैं, तेरे शक का इलाज कैसे करूं, इस मर्ज की दवा नहीं हूं मैं, दिल तेरे इश्क में जला डालूं, इतना भी दिल जला नहीं हूं मैं, दिल तेरे इश्क में जला डालूं, इतना भी दिल जला नहीं हूं मैं। एक मतला यूं अर्ज किया है कि क्या खबर तुझको, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, क्या खबर तुझको, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। और हजरत वसीम आर खान साहब की शख्सियत आपके जहन में है, एक शेर में जनाब वसीम भाई के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं आप तक। लादा फरमाए के और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, ए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी। मुलाजा फरमाए
ऐ हवाओं ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। और बाप की कब्र पे बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं। बाप की कब्र पे दोस्तों शरीक हो जाए शेर में कि बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते। वाह 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 वाह, बहुत 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 शुक्रिया। बाप की कब्र पे आलम, ये बात बिल्कुल सच हो गई कि दिल टूटने के बाद शायरी अक्सर अच्छी हो जाती है। तो ये असद बस्तवी ने कहा, ये जुमला मेरा नहीं है, तो ये क्या वजह है, अब ये क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। बहरहाल आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज। बहुत शुक्रिया। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। नौजवान दोस्तों एक मतला और आपके हवाले करता हूँ कि बेवफा अब ना मोहब्बत की दुहाई दूंगा। बुलादा फरमाए बेवफा अब ना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे जख्म में जुदाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे। बताएं दोस्तों कि अगला छाता में मुशायरा हो रहा है, एक बार पुरजोर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं और इसी फजा में मुझे समाप्त करें। पेश करता हूं बेवफा अब ना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे जख्म में जुदाई दूंगा। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, अपने बारे में कहां तक। जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बहुत नाजुक वक्त है, हार ना पहनाए कहीं यहाँ से आप हार पहनाए वहां से होटिंग होने लगे। बहुत नाजुक वक्त शेर पढ़ रहा हूँ। जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। और हजरत मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर, मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर। आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। और हज़रात गिरामी आज का ये खूबसूरत मुशायरा जिसके कन्वीनर जनाब वसीम आर खान साहब हैं, एक शेर में उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ दोस्तों। वसीम आर खान साहब मुंबई की फजा में ऐसे ऐसे काम अंजाम देते हैं कि सदियां उन्हें कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वसीम आर खान जब से अखिलती शोबे के सदर बने हैं, कभी मदरसे के बच्चों को लैपटॉप तकसीम करते हुए नजर आते हैं, कभी वो खवातीन को सिलाई मशीन तकसीम कराते हुए नजर आते हैं, कभी वो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए गरीबों को मुफ्त दवाइयां फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हुए नजर आते हैं। हजरात उनके बहुत से कारनामे मेरे जहन में है, ये शेर में खुसूसियत के साथ जनाब वसीम आर खान साहब का कर रहा हूँ। अगर अगर शेर का हक अदा हो जाए तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मुलादा फरमाए जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। और मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा, मर भी जाऊं। बहुत शुक्रिया हजरात। अब आइए दोस्तों तरन्नुम से दो तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलादा फरमाए दोस्तों और नौजवान दोस्तों गुजारिश कर रहा हूँ कि सब जुड़ जाए। हसीन ख्वाब दिखाया दिखा के छोड़ दिया, शरीक हो जाए दोस्तों। हसीन ख्वाब दिखाया दिखा के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया। और अहले दिल यहां तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से मैं शेर पेश कर रहा हूं।
किया न उसने मेरे दर्द को कभी महसूस, कभी दर्द को मेरे महसूस किया न उसने मेरे दर्द को कभी महसूस, हमेशा दिल को दुखाया दुखा के छोड़ दिया, हमेशा दिल को दुखाया दुखा के छोड़ दिया। और ये शेर भी दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए, कहीं ना उसे की बुराई में हम हुए शामिल, कहीं न उसकी बुराई में हम हुए शामिल, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया, नजर से नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया। और ये शेर भी खास रूप से देखें, नाउल से रखी कभी रोशनी की उम्मीदें, नाउल से रखी कभी रोशनी की उम्मीदें, नाउल से रखी कभी रोशनी की उम्मीदें, दियों को हमने जलाया जला के छोड़ दिया, दियों को हमने जलाया जला के छोड़ दिया। शेर आखिर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं दोस्तों, आप अपनी दुआओं से नमाज़े में अपनी जगह लेता हूं, बुलाता फरमाएं, मैं हौसला जुटा पाया उसको छूने का, मैं हौसला जुटा पाया उसको छूने का, नकाब रुरु से हटाया हटा के छोड़